स्थापित का बेटा विस्थापित का बेटा ना रहा। जिस शख्स पर ये गंभीर आरोप राउत जी के लोग लगा रहे हैं वो शख्स इस समय हमारे साथ है, रघुनाथ महतो। इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि पाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया रघुनाथ दा, ये क्या हो गया? आप है पाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया, ये कहावत तो बड़ा मस्त है जी, लेकिन ये फिट एस्पॉन में नहीं बैठता है। एस्पॉन में जो भी आज ये बता रहे हैं कि हमारे ऊपर जो एलिगेशन लग रहा है, आरोप लग रहा है कि उनकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो सबसे पहला चीज़ तो इसको अच्छी तरह से देखना चाहिए ये कौन व्यक्ति बोल रहे हैं और उस गांव के जो व्यक्ति बोल रहे हैं वो किसके कहने पर बोल रहे हैं। ये सब मतलब एक साजिश किया हुआ प्लानिंग है, मतलब गाँव वालों को उकसाया जा रहा है। बिल्कुल, गाँव वालों को ये उकसाया जा रहा है किसी के माध्यम से और उनको पैसे दे करके उसको उकसाया जा रहा है कि आप लोग ऐसे बोलो। अब मुझे तो ये भी पता है कि बहुत सारे जगह मीडिया में भी बोला है व्यक्ति कि एकदम ऐसा आना चाहिए, आप ऐसा छापिएगा कि सुनो स्पेयर के निकालने के चक्कर में ये बांध टूट रहा है। अच्छा, ये किन्हीं के द्वारा करवाया? रघुनाथ महतो जी को हम लोग जानते हैं बहुत छोटे से, मैं भी विस्थापित का बेटा हूँ। ऐस खाए हैं आप बरसों बरस तक इस क्षेत्र में विस्थापितों के लिए। बिल्कुल रघुनाथ जी, आप जिस एस पॉन्ड में अभी जो लड़ाई चल रही है, जिसकी बात हो रही है कि बांध टूट जाता है, रघुनाथ जी चूंकि मजदूरी कर रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं उसकी वजह से आप पर आरोप लगा, लेकिन उसी एस पॉन्ड का राख लगातार आप लोगों ने फाका है, आपके दोस्तों ने फाका है विस्थापितों के लिए। वही विस्थापित के बच्चे बेटे माताएं जब आप पर इस तरह का आरोप लगाती है तो कितना तकलीफ होता है? देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो ये चलता रहता है, लेकिन मेरा मानना है जो आरोप लगाया जा रहा है, हम लोगों ने कभी भी विस्थापितों को अनदेखी नहीं किया है और विस्थापित के खिलाफ हम लोगों ने कभी नहीं गया और विस्थापित को जितना अधिकार मिलना चाहिए उसके लिए हम लोगों ने लड़ा है। लेकिन ये संजोग कहिए कि हमें जितना मिलना चाहिए यहाँ के विस्थापितों को जो सफलता मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया है। और आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि आज भी हम लोग विस्थापित के लिए लड़ाई लड़ते हैं, आंदोलन करते हैं। रहा सवाल हमारा यश पॉइंट की बात, जो अभी आपने कहा कि आप मुझे बदनाम कर रहे हैं सिनो स्क्वेयर के चक्कर में, मेरे जब से हम यश पॉइंट में काम कर रहे हैं या करवा रहे हैं तब से यश पॉइंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। ये व्यक्ति जो बोल रहा है गाँव से, वो गाँव वाला व्यक्ति को किसी के माध्यम से कोई उनको जो है बहकवा रहा है, उनको पैसा देकर लालच दे रहा है कि तुम ऐसे करके कहो ताकि वो व्यक्ति वहाँ से बदनाम हो, और मुझे बदनाम करने का ये एक साजिश रचा जा रहा है। जबकि ऐसा कोई बात नहीं है कि मेरे आने के बाद में एस पॉन्ड का जो अंदरूनी विभाग टूटा है, इसके पहले भी कई एक बार टूट चुका है। तो सभी जानते हैं कि कई दफ़ा टूटा है, कई दफ़ा इस तरह की घटनाएँ हुई है वहाँ पर। लेकिन लोग कहते हैं कि जब आप इस तरह का सिने स्फेयर के कारण आपके दामन में दाग तो लग गया। देखिए, दामन में कोई दाग लगाने से पूरी तरह से जब तक उसको स्पष्टीकरण नहीं होता है, जब तक उसकी बात सच्चाई जो है वो जब तक आ नहीं जाती है, तब तक किसी को दोषी बना देने से दोष होता नहीं है। ऐसे तो चंद्रमा में भी दाग होता है, दाग तो सबके ऊपर लगते रहता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो लोग इस तरह से बोल रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, जरा अपने गिरावान में झांक ले कि सच में वो अपने आप में कहां पर है, वो किस जगह पर खड़ा होकर के बोल रहा है, वो अपने आप में कितना सही इंसान है और सही जगह पर कहां है, वो अपने आप में झांक ले उसके बाद दूसरे के ऊपर आरोप लगाए। हम लोग तो ऐसा नहीं है, हम लोग क्योंकि विस्थापितों का नेतृत्व करते हैं, विस्थापित लड़ाई का लड़ते हैं, जिसके चलते हम लोग बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाते। लड़ने की शिला मिल गई आपको, आपने देख लिया। 64 मौजा 84 गाँव के विस्थापित जानना चाहते हैं, सबसे बड़ी उत्सुकता अभी यही है कि रघुनाथ महतो को अगर समय ऐसा आता है तो वो बोकारो स्टील प्लांट के साथ रहेंगे या जो राउत डी गांव के विस्थापित हैं उनके साथ रहेंगे? जी, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि हमारा जो कि हम खुद एक विस्थापित थे और विस्थापित होने के नाते हम अपना दुख दर्द के साथ साथ में अपने विस्थापित भाइयों का भी दुख दर्द को समझते हैं, और हम लोग हमेशा विस्थापित का हित में जो बात आएगा उसके चलते हम लोग कहीं भी लड़ना पड़ेगा हम लोग लड़ेंगे। हम विस्थापित के अधिकार से पीछे नहीं हटेंगे, उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। अब रहा बात कि राउत जी के गांव में उसका रहना उचित है या नहीं है, ये निर्णय रघुनाथ महतो नहीं कर सकता है, आपका भी नहीं है, हमारा भी नहीं है। इस साजिश की जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, इस साजिश की जांच होनी चाहिए, और साजिश की जांच होने के साथ साथ में
जो वहाँ पर गांव में जो लोग रह रहे हैं जो 15-20 घर, उसका भी जांच होना चाहिए। अभी आपने एक सवाल किया कि भाई महुआर और जो भी गांव अगल बगल में है क्या उसको भी हटना चाहिए? नहीं, हम क्यों बोले हटना चाहिए, या तो जो पौंड के अंदर में है तो हम क्यों बोले कि हटना चाहिए। लेकिन हाँ, जरूर हम ये बोले कानूनी तौर पर अगर यदि वो गलत है तो उसका सही व्यवस्था क्या होना चाहिए, उसका व्यवस्था करके उसको हटाया जाए ताकि बार बार इस तरह का घटना ना घटे। और किसी तरह का अगर आज छोटा मोटा घटना घटा, हो सकता है बहुत बड़ा घटना हो जाए, किसी के जान चले जा सकती है। आपकी रोजी रोटी छीनने की कोशिश की जा रही है। देखिए, किसी के कहने पर किसी का अगर यदि रोजी रोटी छीन जाए तब तो फिर बड़ा विचित्र बात है। समझ लीजिए कि कोई किसी को बोल देगा कि तुम्हारा नौकरी गया तो नौकरी चला जाए, ऐसी बात नहीं है। मैं अपना काम अपना मेहनत और लगन से करता हूँ, जो सही चीज़ होता है उस पर करता हूँ। लोग भले आरोप लगा ले, किसी को जलन है, किसी को द्वेष है, किसी को और किसी तरह का भावना है, अगर उस भावना से मुझे देख करके अगर यदि इस तरह के बातें बोलता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं ईमानदार, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इन्होंने साफ साफ कहा है कि विस्थापित का बेटा है और जब भी आंदोलन की जरूरत पड़ी है इन्होंने सीना ठोक कर विस्थापितों का साथ दिया है। और अभी जो राउडी क्षेत्र में चल रहा है, जो किस्सा चल रहा है, जो खेल चल रहा है, उसकी उस साजिश की जांच हो और जिला प्रशासन और सरकार के साथ साथ DPLR भी इस पूरी चीज की जांच करे और बताने का कष्ट करे विस्थापितों को, इस क्षेत्र के लोगों को, कि सच्चाई इसके पीछे क्या है। कैमरा पर्सन भोला के साथ मैं राम नारायण शर्मा।